नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीषा, मुनीषा फैशन अब बुटीक से। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ द जोश? यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। दोस्तों आज हम करेंगे अफगानी पैंट की कटिंग। देखेंगे कि समर सीजन में एक सबसे कंफर्टेबल रहती है अफगानी पैंट, यानी कि विद पॉकेट। सलवार भी बना सकते हैं और हम पैंट भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले लेते हैं हम थोड़ा सा मोटिवेशन, और आज फिर हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल वूमेन के बारे में। आज हम बात करेंगे हिमाचल की रहने वाली शालिनी अग्निहोत्री के बारे में, जो कि आईपीएस है। दोस्तों उन्होंने आईपीएस बनने के लिए दिन रात एक कर दिया। उनके पिताजी कनेक्टर है, बस में कनेक्टर है। तो देखो दोस्तों, हिमाचल में ऊना जिले ठटल गांव की रहने वाली शालिनी ने आईपीएस की परीक्षा पास कर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत उभर कर सामने आई, और उन्होंने फर्स्ट प्रयास में ही इतनी मेहनत और लगन करके फर्स्ट प्रयास में ही परीक्षा पास की। बल्कि ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने देश भर में बेस्ट कैडेट के रूप में अपनी पहचान बनाई। इतना ही नहीं, उन्होंने युवाओं के लिए सोशल मीडिया के जरिए उनको मोटिवेशन दिया, और उनके अपना करियर की कैसे शुरुआत करें वो युवाओं तक उन्होंने पहुंचाया। दोस्तों अगर हमारे अंदर जुनून और हौसला है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये निर्धारित होना चाहिए कि हमें क्या करना है और उस पर कैसे चलना है। असंभव कुछ नहीं होता। तो अब हम देखते हैं अफगानी पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। अब लेंथ हमने लिए 37, वेस्ट हमने लिए 36.5, थाई लिए हमने 14 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 1/4 निकालेंगे 36 का, तो हाफ कितना हुआ 18, और 1/4 कितना हुआ 9 इंच। तो अब हम इसमें आधा इंच, ये देखो जो इसमें एक्स्ट्रा है 36.5, आधा इंच और लगाएंगे हम इसमें, और 2.5 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 इंच। तो हम कितने पे कटिंग करेंगे 12 इंच, तो कमर हम कितने पे लेंगे 12 इंच पर, ठीक है। तो अब हम निशान लगाएंगे 12 इंच पर, पहले लेंथ का लगाएंगे। ये समझ में आ गया ना, जो हमारी कमर होती है, कमर हमने कितनी ली है 36.5, तो हमने उसका हाफ किया, 1/4 निकाला, कितना आया 9.5, उसमें हमने 2.5 इंच ऐड किया, तो कितना हो गया 12 इंच हो गया ना। ये देखो 9.5, और हमने इसमें प्लस किया 2.5 इंच, ये तो हमारा कितना हुआ 12 इंच। तो हम कटिंग कितने पर करेंगे 12 इंच पर। तो अब हम कटिंग करते हैं। देखो अब ये देखो, ये इसके फ्लावर एक तरफ जा रहे हैं, तो हमें कटिंग थोड़ा सोच समझ के करनी होगी। पहले हम ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब हम लेंथ लेंगे। देखो ऊपर हम इलास्टिक लगाएंगे, तो 1 इंच हम ऊपर करेंगे बेल्ट के लिए। ये निशान नज़र आ रहा है आपको, तो हमने यहाँ पर मेजर टेप रखा और 1 इंच ऊपर किया, और हमने निशान लगाया 35.5 इंच पर। 35.5 इंच पर हमने निशान इसलिए लगाया है क्योंकि हम इसमें 2.5 इंच का नीचे अलग से बनाएंगे, क्योंकि हम अफगानी बना रहे हैं ना, तो हम अलग से लगाएंगे इसमें, बॉर्डर बनाकर लगाएंगे या कुछ भी हम डिज़ाइन लगाएंगे तो वो हम अलग से लगाएंगे। तो ये भी हमने एक लाइन ड्रॉ की। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बोला था कि हम 12 इंच पर हम निशान लगाएंगे कमर का, वो मैंने अभी आपको कॉपी पर बताया कि हम कैसे लगाएंगे। वैसे जब भी हम आसन का निशान लगाते हैं तो हम कैसे लगाते हैं, आसन का निशान लगाते हैं तो हम हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ, अगर आपको हिप वाला मैटर बिल्कुल ना समझ में आए कि हमें कितना प्लस करना है तो कितना वो करना है, तो हम ऐसे भी निशान लगा सकते हैं। कोई हैवी साइज है तो हम कितने पे निशान लगाएंगे 12.5 इंच पर। अगर मीडियम साइज है तो हम कितने पे निशान लगाएंगे 12 इंच पर। अब ये साइज थोड़ा हैवी है तो हमने 12.5 इंच पर निशान लगाया। हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको हिप के अकॉर्डिंग ना समझ में आए, तो हम ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ की हमने, अब हम क्या करेंगे, थाई का निशान लगाएंगे। थाई कितनी थी 14 इंच, तो हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो हमने ऊपर कमर पे निशान लगाया है
एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे हम हल्का सा राउंड में घुमाएंगे थाई तक, जो हमारा ये थाई तक निशान गए हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे देखो, क्योंकि हमने इसमें डालने हैं प्लेट्स, हम बना रहे हैं अफगानी, तो अब हम क्या करेंगे, इसका घेरा हम कितना लेंगे, वैसे तो हम मोरी के अकॉर्डिंग लेते हैं लेकिन अब हम ज़्यादा लेंगे। अब हम 1.5 इंच इधर से 1.5 इंच कम करेंगे, इधर हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच का, और सेपर को हम ऐसे रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि हमें प्लेट्स डालने हैं तो हम कितना रखेंगे, कितना लेते हैं हम, 17 इंच ले लेते हैं क्योंकि हमें प्लेट्स डालने हैं और अच्छे प्लेट डालेंगे। ये ऐसे सेपर को रखेंगे। देखो कुछ लोग होते हैं आगे की साइड पर निशान लगाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें खिंचाव बनता है, लेकिन मैं हमेशा इस साइड ही निशान लगाती हूँ। तो ये हो गया हमारा फ्रंट, ऐसे हम निशान लगाएंगे। ये देखो अब हम क्या करेंगे, हमने 12.5 इंच लिया था तो 1 इंच हम डाउन करेंगे। 1 इंच हमने डाउन किया, ये देखो ये 1 इंच हम डाउन करेंगे, और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये हो गया हमारा फ्रंट, ये देखो ये हो गया हमारा फ्रंट कट। अभी इस साइड से हम बाद में कट करेंगे। अब हम करेंगे बैक, अब हम क्या करेंगे देखो, बैक साइड को हम कटिंग करेंगे तो हम जो हमारा फ्रंट है उसको ऐसे इसके ऊपर बिछाएंगे, कन्ने से कन्ने मिलाएंगे। और ऐसे एक निशान ड्रॉ करेंगे और एक ऐसे इधर। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हैवी साइज हो तो हम 3 इंच ऊपर जा सकते हैं, अगर साइज कम हो तो हम 2.5 इंच ऊपर जा सकते हैं, तो हम 3 इंच ऊपर जाएंगे। 3 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बैक वाली साइड है, और इधर से हम कितना लेंगे, 2.5 या 3 ले सकते हैं क्योंकि ये अफगानी है, फुल इलास्टिक है, तो हम 3 इंच ले लेते हैं। ऐसे हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये नजर आ रहा है आपको चौक का निशान, और फिर हम इसको डाउन करेंगे। ये देखो इधर से लेकर जो हमारा ये
ऐसे हम इसको डाउन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेपर को उठाएंगे। देखो हम डबल सेपर लगाएंगे, जैसे कि मैं बताती हूँ हर बार जब भी हम पैंट सूट कुछ भी कटिंग करते हैं तो हम जो हमारा बैक पार्ट होता है उसमें क्या लेते हैं, हम मार्जिन का लेते हैं। तो हम उसमें डबल स्केल लगाएंगे, एक क्या करेंगे हम मार्जिन का लेंगे। ये देखो ये नज़र आ रही है, तो हम इसमें डबल स्केल लगाएंगे। एक हम इसमें मार्जिन का लेते हैं और एक हम लेते हैं बैक के अकॉर्डिंग। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने ऊपर जो 3 इंच डाउन किया ऐसे कटिंग करेंगे इसकी। अब देखो जो हमारा ये साइड का होगा तो हम इसको कैसे कट करेंगे, इन चार रो को, 4 पीस रख लिए, हम चार रो को एक साथ कट करेंगे, फ्रंट बैक के दो चारों पीस को हम एक साथ ऐसे कट करेंगे। कन्नी सारी कट कर देंगे। ये देखो ऐसे कट गई है हमारी अफगानी पैंट। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे और इसमें पॉकेट वगैरह लगेगी तो ये बहुत सुंदर बनेगी। तो ऐसे इतनी सिंपल तरीके से होती है अफगानी पैंट की कटिंग, क्योंकि हम इसमें पॉकेट भी लगा सकते हैं। जो लोग सलवार नहीं डालते हैं और उनको अफगानी लुक चाहिए तो वो कैसे कंफर्टेबल रह सकते हैं, ये पैंट भी हो जाती है और सलवार भी लगती है, यानी कि बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है। तो हम इस प्रकार से भी कटिंग कर सकते हैं। देखो आज हमने देखी अफगानी पैंट की कटिंग, और वो भी हमें बिना हिप के भी। कई बार क्या होता है हिप के अकॉर्डिंग समझ में नहीं आता कि कैसे कटिंग करनी, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने हिप के अकॉर्डिंग भी आपको बताया है और विदाउट हिप के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बताया है कि हम कैसे कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग देखेंगे। देखो वीडियो काफ़ी टाइम बाद आया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के कारण थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी, बट अब बिल्कुल ओके है, तो वीडियो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है। तो दोस्तों आप भी गर्मी से बच के रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम स्टिचिंग कैसे करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।